अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग जा रहे हैं प्याज सुखाने के लिए छत पे, मतलब सुखा दिए थे। अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज, गांव के छत पर सूखी हुई प्याज। ड्राई ऑनियन जो है खाने में डालने के लिए काम आते हैं, तो हमने हमारे एक मामी के घर पे छत पर उन प्याज को काट कर सुखाया था। अभी उसी छत पर जा रहे हैं, मेरी वाइफ भी वहीं पर है पहले से। एंड ये रही हमारी प्याज, ब्लैक ऑनियन, ब्लैक नहीं ब्राउन ऑनियन, ये सूखने के बाद में जो है ब्राउन हो जाएंगी। हंसो मत, फैलाओ इसको। क्या बोल रहे हैं, पकड़ो। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी। ये प्याज जो है अभी पूरी सूख गई है, खिलता हुआ एक चमन, जिस्म खाने में डालने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ। और इससे क्या होता है कि खाना जो है बनाने में जल्दी जल्दी हेल्प होती है, टाइम कम लगता है। जब ये प्याज सूख जाती है इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। आप इसको 2 साल भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और यहाँ से जो है पूरा हमारा गांव का मंजर आपको नज़र आएगा। छोटा सा गांव है, लिमिटेड पब्लिक है, और कुछ दूर पर खेत भी नज़र आएंगे आपको। बहुत खूबसूरत जगह है।